नमस्ते। आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं पंडित अनिंदो चैटर्जी जी का बजाया हुआ बेहतरीन तिहाई। ये तिहाई फास्ट स्पीड का तिहाई है, बट इसको थोड़ा सा मीडियम स्पीड में भी आप बजा सकते हैं, एंड सेमी एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल तबला लर्नर्स एंड एडवांस लेवल के तबला लर्नर्स इस तिहाई को आराम से बजा पाएंगे। बिगनर लेवल के तबला लर्नर्स भी इसको बजा सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। उतना मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, एंड तीन ताल का ये तिहाई है जो पंडित अनिंदो चैटर्जी जी ने बजाया है। सबसे पहले पंडित जी से इसको सुनते हैं। ये पंडित अनिंदो चैटर्जी जी ने अपने बहुत पहले का एक तबला सोलो में उन्होंने बजाया था, वहीं से मैंने सुना है एंड ये आपके लिए लाया हूं एज अ ट्यूटोरियल। सुनते हैं पंडित अनिल चौधरी जी। तो यहां पर आपने सुना है कितना बेहतरीन अंदाज का ये तिहाई है, एज वेल एज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बोल यहां पे यूज होता है धाते टे धेते टे काता गदी के ने धा। सो धाते टे धेते टे काता गदी के ने धा बचता है धा ते ते, उल्टा ते ते धा ते ते धे ते ते, उसके बाद कता गदी घेने धा। मोस्ट तबला प्लेयर्स को धा ते ते धे ते कता गदी घेने धा आता ही है। बिगनर लेवल के तबला प्लेयर्स को अगर ये मुश्किल लगता है तो उनके लिए मैं ये स्पेशली स्लो में एक्सप्लेन कर रहा हूं धा ते ते धे ते कता गदी घेने धा कैसे बजाते हैं। धा ते ते धाते टे हुआ, फिर धेते टे, अब स्याही में धे ते ते, सो धाते टे धे ते ते, आधा पार्ट हो गया धाते टे धेते टे। अब बचा है कता गदी घेने, कता गदी घेने, सो कता होगा किनार पे, कता यहां पे किनार में कता होगा, नॉट एज अ कते। पंजाब घराना में जैसे कते बजाते हैं वो नहीं बजाना है आपको, यहां पे किनार में बजाना है कता। तो कता गदी, गदी होगा एक ही फिंगर से, सो कता गदी घेने होगा थ्री फिंगर से घेने, सो कता गदी घेने पूरा फ्रेज हो गया। उसके बाद एक धा बजाना है धा, सो पूरा बोल हो गया धा ते ते धे ते ते कता गदी घे। ये बिगनर्स लेवल ताकि बजा सके उनके लिए मैं इसको एकदम स्लो स्पीड में, स्लो टेम्पो में एक्सप्लेन किया। बाकी सेमी एडवांस लेवल एंड एडवांस लेवल के तबला लर्नर्स, तबला प्लेयर्स इसको बहुत आराम से फास्ट स्पीड में भी बजा लेंगे। सो बोल है धातरे धतरे कता का दिखने धा, धातरे धतरे कता का दिखने धा, धातरे धतरे कता का दिखने धा धा धा। ये जो तीसरे लाइन के बाद जो धा 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 है उसमें आपको स्ट्रेच करना है धा धा धा, तब जाके ये ग्यारहवें मात्र पे आएगा। पढ़ंत करते हैं इसको एक बार, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा धा धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा धा धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा, धधर धधर कदक दिखेंगे धा धा धा, सम पे आता है। So, पहला दूसरा और तीसरा धातरे धतरे कदा का दिखने बिना रुके बजाना है बेदम अंदाज में, धातरे धतरे कदा का दिखने धा, धातरे धतरे कदा का दिखने धा, धातरे धतरे कदा का दिखने, उसके बाद आपको धा में स्ट्रेच देना है, फिर दूसरा धा में स्ट्रेच देना है एंड तीसरा धा आपका ग्यारहवें मात्र में पहुंचेगा। बाई चांस अगर आपको कितना गैप देना है धा धा, वो अगर नहीं समझ में आ रहा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से उस धा का जो स्ट्रेच है उसको आपको बैलेंस आउट कैसे करना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं।
ये है इसका इस्तिहाई का बोल। एक बात याद रखे कि जैसे मैंने बताया था, गलती से भी यहाँ पे धाते के कते नहीं बजाना है। अगर आप कते बजाएंगे तो इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये पूरा खुले अंदाज का किनार का बोल है, कर्ता गति है, इसी तरीके से पंडित अन्नू चैटर्जी जी ने बजाया है। तो जब आपने सुना है इसको स्टार्टिंग में जो ऑडियो में, पंडित जी ने किनार ओपन करके बजाया, नॉट एज अ कते गति घेने के हिसाब से नहीं बजाइएगा, बिकॉज दिस इज फरुखाबाद घराने का बोल है जो किनार ओपन करके बजता है। पंजाब घराने का होता तो वो बंद होता। सो अब हम आते हैं गैप को कैसे मेंटेन करेंगे। धातरे धतरे काता का दिखने धा, धातरे धतरे काता का दिखने धा, धातरे धतरे काता का दिखने धा, यहां तक कंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज कोई गैप देना नहीं पड़ता है। बट थर्ड लाइन में जो धा धा धा, यहां पे आपको गैप कैसे मेंटेन करना है, धा धा धा। सो धा गे गे, धा एक दो, धा एक दो धा, तो एक विल भी धा गे गे, धा गे गे धा। आप उसको भर भी सकते हैं, भरने में भी आपको अच्छा ही लगेगा सुनने में। अगर आप भर के नहीं बजाना चाहते, यू वॉन्ट टू कीप इट ब्लैंक, देन वॉट यू हैव टू डू इज आप वही धागे के को माइंड में रखिए, यहां मत बजाइए धागे के धागे के धा, माइंड में रखिए धागे के धागे के धा, एंड बस बाया में उसको गेगे को मत टच कीजिए, तो आपको वो साउंड आएगा नहीं गेगे का। अगर आप गेगे बजाएंगे तो बजाना होगा और सुनने भी अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आप भर के भी बजाते हैं तो यू आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ गमक एंड अ घसीट। सो ये धागे ये धागे ये धा, अगर आप खुला बजाते हैं ओपन रहता है, कोई घसीट या गमक आप नहीं देते हैं। दोनों अलग अलग तरीके का साउंड इफेक्ट है, दोनों ही सुनने में अच्छा है। जो आपके हाथ में और आपके कान में जो ज्यादा अच्छा लगे उस अंदाज को आप लेके चल सकते हैं। धा धा धा, गेगे को माइंड में रखना है, धागे के धागे के धा, या फिर धा गेगे, जो आपको इजी लगे। गेगे ऐसे बजाना है वो भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे जब धा बजाते हैं किनार में बजेगा, ये था पंडित अनिंद चटर्जी जी का बजाया हुआ बहुत सुंदर एंड लाजवाब तिहाई। उम्मीद करता हूं ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है एंड आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, एज वेल एज जिनको मुझसे सीखना है मुझसे, दे कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर एंड स्टार्ट देयर तबला लर्निंग एट 50% डिस्काउंटेड फीस। फॉर फर्दर हायर लेवल ऑफ तबला लेसन्स यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम माई तबला ऐप तबला तालीम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज वेब लिंक दिया हुआ है। एप्पल यूजर्स एंड्रॉयड यूजर्स दोनों ही वेब लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं लेसन्स एंड यू कैन लर्न एट योर कंफर्टेबल टाइम एट द लोएस्ट फीस ऑफ 75 rupees ऑनवर्ड्स। यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन जी के, पंडित सपन चौधरी जी के, पंडित कुमार बोस जी के, अनिंद चटर्जी के, पंडित किशन महाराज जी के, उस्ताद तारी खान साहब जी के एंड और भी बड़े बड़े तबला मास्टर्स के आपको तबला लेसन्स डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा। आराम से आप वहाँ से आप अपने समय के हिसाब से उसको देख के, बार बार देख के उसको आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंटायरली माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू थ्रू तबला ट्यूटोरियल्स।